नमस्ते बच्चों, आज अपनी हिंदी की पुस्तक से हम एक नई कविता पढ़ने वाले हैं जिसे पृष्ठ संख्या 67 में दिया गया है। बच्चों, यह कविता आपको केवल पढ़ने के लिए दी गई है। इसका उद्देश्य आपको कुछ नई बातों का ज्ञान कराना है। तो चलिए हम इस नई मनोरंजक कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, इस कविता को वेंकटेश चंद्र पांडे ने लिखा है, जिसका शीर्षक है बीज। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। यानी कि एक बीज जिसे ज़मीन में, मिट्टी में, गहराई में बोया गया, जिस बीज के अंदर एक नन्हा पौधा समाया था, यानी उस बीज से आगे चलकर एक पौधा निकलने वाला था। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। उस बीज को, उस पौधे को जब उस बीज से पौधा निकल गया तो उसे हवा ने पोषित किया और बारिश की नन्ही बूंदों ने उसे भोजन के लिए जल दिया, उसे वृद्धि करने के लिए, बढ़ने के लिए जल और हवा, रोशनी आदि आवश्यक होते हैं, जो उसे मिला। सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आँखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। सूरज की रोशनी ने उस पौधे से कहा कि प्यारे पौधे, तुम जल्दी जल्दी बाहर आओ और तुम जल्दी जल्दी बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी रोशनी दे रहा हूँ। और जहाँ तक आप सभी बच्चों को पता है कि पौधे सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं और वो ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं। आँख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। जब उसे रोशनी, सूरज की रोशनी, हवा और पानी मिला, तब वो पौधा, उसके अंदर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हुआ और वो खिलकर बाहर आने लगा, तेजी से बाहर आने लगा। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। जब पौधा बड़ा हुआ, वह ज़मीन से बाहर आ गया और उसने इस संसार को देखा, तो उसे यह संसार बड़ा ही अद्भुत और सुंदर लगा। तो इस प्रकार हमने आज एक बीज की, बीज से पौधा बनने की बात को, तथ्यों को समझा कि किस प्रकार एक बीज पौधे का रूप लेता है और इस पौधे के रूप लेने के दौरान उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वो आज हमने इस कविता के माध्यम से समझा है। जैसे कि सूरज की रोशनी, हवा और पानी। बच्चों, पानी, हवा और सूरज की रोशनी ना केवल पौधों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी, जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। पौधे हमारी तरह ही जीवन जीते हैं, यानी वो जीवित होते हैं, उनमें प्राण होता है। इसीलिए कभी भी बच्चों को, पौधों को, फूलों को, पेड़ों की पत्तियों को ऐसे ही फालतू बेकार में नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनमें भी जीवन होता है, उनमें भी दर्द होता है, उन्हें भी दर्द होता है। यदि आप किसी पौधे को या उसके फूल को या उसकी पत्तियों को यूं ही बेकार तोड़ते हैं तो उनसे पानी जैसा कुछ निकलता है ना। बच्चों, जिस प्रकार हमारा शरीर कटने या छिलने पर हमारे शरीर से पानी और खून निकलता है, उसी प्रकार पेड़ के
शरीर से भी पेड़ और पौधों के अंदर भी प्राण होते हैं, उनके शरीर में भी इसी प्रकार की चीज़ें होती हैं क्योंकि वो जीवित माने जाते हैं। इसीलिए इस कविता से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी व्यर्थ में पेड़ और पौधों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए आज से हम प्रण लेते हैं कि हम कभी भी पेड़ और पौधों को बेकार नहीं समझेंगे, उन्हें जीवित समझकर, उन्हें अपने जैसा समझकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।